फ्रेंड्स, सो मैं अपने नए टॉपिक के साथ फिर आ गया हूँ और आज भी हर बार की तरह एक बहुत ही मजेदार टॉपिक लेके आया हूँ और आज होगी अनबॉक्सिंग ऑफ MI 8। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आ जाता है रेडमी की तरफ से 8 मॉडल वाला मोबाइल फोन। सो आइए दोस्तों, मैं इसको ओपन करने वाला हूँ और देखते हैं इसके अंदर कैसा फोन निकलेगा। सो सबसे पहले मैंने इसको ओपन कर दिया है और ओपन करने के बाद मुझे यहाँ पे एक छोटा सा मैनुअल मिला है। इसके अंदर यूजर मैनुअल है और हम अगर इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर एक पिन निकलेगी और इतनी बड़ी जस्ट पैकिंग भी है, सिर्फ इतने से यूजर मैनुअल और ये पिन के लिए। अभी हम इसको साइड में रख देंगे और इसके साथ ही दे देते हैं एक कवर, मोबाइल का ट्रांसपेरेंट कवर है ये, जो कि सारे रेडमी के फोन्स के साथ ऑलमोस्ट मिल ही जाता है। सो इसके बाद हमारा मेन आ जाता है यहाँ पे फोन। सो मैंने इसको ओपन कर लूंगा पर अभी मैं जस्ट इसको साइड में रख देता हूँ, पहले सारी चीज हम अनबॉक्स कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके बाद हम इसकी पैकिंग हटाए तो यहाँ पे हमें मिल जाएंगे इसके चार्जर, ये रहा इसका चार्जर और यहाँ पे मिल गया इसका वायर। सो सिंपली हमें इस केबल को हमारे चार्जर से साथ कनेक्ट कर लेना है और ये चार्जर चालू हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अभी हम ये सबको साइड में रख देते हैं और बात करेंगे हम मेन फोन की। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा कि मैंने अब सबको साइड में कर दिया है और मेरे पास है यहाँ पे रेडमी का फोन। अब मैं इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ, अब मैं इसको जस्ट ऑन कर दूंगा और ये स्टार्टिंग होने में थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब कि स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम मैंने स्टार्ट किया है तो स्टार्टिंग में इसको थोड़ा टाइम लगता है। और तब तक हम बात कर लेते हैं इस फोन की। तो ये फोन दिखने में तो ये बहुत ही अच्छा है, इसके साइड में चार स्पीकर दिए हुए हैं और यहाँ पे दिया है डिजाइन बाय Xiaomi और यहाँ पे हमें मिल जाएगा एक फिंगरप्रिंट सेंसर और इसके साथ मिलेंगे 2 कैमरा और ऊपर एक हमें छोटी सी टॉर्च देखने को मिलेगी। सो फ्रेंड्स, अब मेरा ये फोन स्टार्ट हो गया है तो मैं सिंपली साइड की से प्रेस करके इसको ओपन करूंगा। सो अब मैंने इस फोन को ओपन कर लिया है जैसे कि आप देख सकते हो। सो सबसे पहले मैं इसमें अपना फिंगरप्रिंट सेटअप आप कर सकते हैं और इसमें काफी सारे फीचर्स है जो कि आप इसमें देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको ले चलता हूँ इस फोन की स्क्रीन पे जिससे मैं बताऊंगा कि थोड़ी सेल्फीज मैंने इससे खींची है और थोड़े लॉन्ग बैकग्राउंड के भी मैंने फोटोज खींचे हैं। तो आप इसके कैमरा भी देख सकते हो और इसके अंदर का इंटरफेस भी आप इजीली देख सकते हैं। सो आइए दोस्तों, इसकी स्क्रीन पे मैं आपको ले चलता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये है मेरी खुद की सेल्फी जो कि मैंने रेडमी से खींची है। इसमें क्लियरिटी तो बहुत है, इसमें डिटेलिंग्स भी है। सो ये बहुत ही अच्छा फ़ोन है। इन कैमरा 12 MP का कैमरा है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको ले चलता हूँ इस फोन के रिव्यू पे। तो इसके पास बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि इसके पास 5000 mAh की फास्ट चार्जिंग है जो कि 18 वोल्ट्स की होती है इस फोन में, जो कि मुझे इसकी बहुत ही अच्छी बात लगी। और उसके साथ जो रेडमी इस फोन में दे रहा है वो है वायरलेस रेडियो कनेक्शन। मीन्स कि आपको हमेशा नॉर्मल फोन्स में ईयरफोन्स कनेक्ट करना पड़ता था और रेडियो चलता था, तो इसमें आपको ईयरफोन यूज नहीं करना पड़ेगा। इसमें पहले से ही यहाँ पे रेडियो की 2 बटन्स दिए हुए हैं, उससे आप रेडियो सुन सकते हैं विदाउट एनी ईयरफोन्स। अब मैं बात करूँ इसके प्रोसेसर्स की। सो इसके पास स्नैपड्रैगन क्वाड है जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है और ऑक्टाकोर प्रोसेसर इसके साथ, जो कि ये मुझे फोन चलाने में तो बहुत ही इजी लगा और अच्छा लगा। इसके साथ आपको मिल जाता है गोरिल्ला ग्लास का डिस्प्ले जो कि हार्ड होता है और इस टाइम बहुत चल भी रहा है। सो मैंने इसमें ली है रैम 464 जो कि Xiaomi ऑफर करता है। और इसके साथ 2 जो कैमरा है उसमें से एक है 12 MP का और जो सेकेंड कैमरा है, मतलब कि इसमें 2 कैमरा है, जो सेकेंड कैमरा है वो है 2 MP का। मैंने काफी सारी चीजें इस फोन के बारे में बता दी है। आपको बोलूं कि ये फोन काफी अच्छा है तो हाँ, मैं बोलूंगा कि ये बहुत ही अच्छा है। जिस टाइप से इसकी प्राइस है, इसकी प्राइस आपको मिलेगी 10,000 में, जो कि रिजनेबल है, जो कि अच्छी प्राइस है। इतने में 464 GB और इतने में 500 mAh की बैटरी आना,
बहुत मुश्किल का होता है मोबाइल ऐसे फाइंड करना, पर Redmi आपको ऐसी ऑफर दे रहा है जो कि बहुत ही अच्छी है। सो आप ऐसे फोन को बाय कर सकते हैं, इट्स गुड बाय। सो आप अगर इस फोन को Amazon से परचेज करेंगे सर आपको 11,000 या 12,000 का होगा, पर आप नॉर्मल शॉप से परचेज करेंगे अगर अवेलेबल हुआ तो वहां पे, तो आपको ये सिर्फ 10,400 या 10,500 में मिल जाएगा। मैंने इसको खरीदा था 10,300 में, पर बाय डिस्काउंट मुझे मिल गया 10,000 में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हमारी चैनल पसंद आई, सो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये नया फोन है सो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और मैंने Amazon की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, सो आप वहां जाके इस फोन को परचेज कर सकते हैं।